बात सबसे पहले करते हैं धौलपुर की। बड़ी खबर आ रही धौलपुर से। दरअसल डकैत मुकेश की गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया। लगातार अगर धौलपुर के आसपास के इलाकों में आप देखें, डकैती के मामले सामने आते रहते हैं, डकैतों की वहां पर एक्टिविटी दिखाई पड़ती है। लगातार जो इनपुट्स मिलते रहे उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती रही है। उसी आधार पर कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर गैंग का सदस्य गिरफ्तार किया गया। बदमाश बबलू ठाकुर पुलिस की गिरफ्त में आया है। एसपी केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चंबल के बीहड़ से इसे गिरफ्तार किया गया है और बदमाश के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूसों का जखीरा बरामद किया गया है। धौलपुर से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। डकैत मुकेश ठाकुर की गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दबिश दी जा रही है, जो इनपुट्स मिलते हैं गांव वालों से, जो इनपुट्स मिलते हैं इन्फॉर्मर से, उसके आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। और खासकर चंबल के बीहड़ के वो इलाके जहां पर अभी भी डकैतों का कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाई पड़ता है, उन्हें खत्म करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें करती है। और उसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि यह कामयाबी मिलती हुई नजर आई है। जी मीडिया संवाददाता भानु शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भानु, निश्चित रूप से लगातार जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर कार्रवाइयां भी की जाती हैं। कई बार ये कार्रवाइयां फेल हो जाती हैं पुलिस के, लेकिन इस बार कम से कम एक इंसान, एक शख्स तो पकड़ में आया मुकेश ठाकुर गैंग का। जंगलों में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जो दारापुरा के जंगलों में इस आरोपी को जो बबलू ठाकुर के कब्जे से एक अवैध कट्टा, एक बंदूक, एक पिस्टल व 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कहीं ना कहीं ये मुकेश ठाकुर कह गए जो फरार चल रहा है उसका सदस्य, सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुकेश ठाकुर सदस्य है जो डकैत है उसके संरक्षण ले रहा था। और कहीं ना कहीं पुलिस की जो सूचना थी उसके बाद वहां से मुकेश ठाकुर जो मध्यप्रदेश की जो चंबल नदी है उसके बाद क्रॉस करके भाग गया। लगातार कहीं ना कहीं पुलिस, धौलपुर की पुलिस जो बीहड़ है उनकी तलाश कर रही है। और कहीं ना कहीं उनका सिंबल एसपी केसर शेखावत का कहना है कि जल्द ही मुकेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भानु आपका इस जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।